नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। संसद के मानसून सत्र में अब तक सिर्फ हंगामा और ड्रामा ही देखने को मिला है। मणिपुर के मुद्दे पर सदन की कार्रवाई एक दिन भी ठीक से नहीं चली, या कहिए कि चलने नहीं दी गई, और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी मांग पे अड़े हुए हैं। इसी बीच बुधवार को विपक्ष की ओर से केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मंजूरी दे दी। अब ऐसे में सवाल ये है कि संख्या बल कम होने के बावजूद विपक्ष ऐसा क्यों कर रहा है? सवाल ये भी है कि विपक्ष पहले से ही कह रहा है कि सवाल नंबर का नहीं है, तो फिर ऐसा क्यों? अच्छा, विपक्ष पहले से ही काफ़ी एकजुट भी हुआ है, क्योंकि अभी हाल ही में उनका नया गठबंधन बना है INDIA, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इनके संगठन पे काफ़ी करारे हमले बोले हैं। सरकार पूरे मामले पर एक तरह से अटैकिंग मोड में है। ऐसे में मानसून सत्र भले ही चल रहा है, बाहर बरसात हो रही है, लेकिन अंदर जो बेसिक काम होने चाहिए उनका सूखा पड़ा हुआ है। तो ये भी लोग देख रहे हैं कि क्या दोनों ही लोगों को 2024 के लिए ज़मीन तैयार की जा रही है। इस मुद्दे को लेकर के, मणिपुर मुद्दे को लेकर के कई सवाल हैं दोस्तों, और इन सवालों के जवाब जानने के लिए हम कोशिश करते हैं वरिष्ठ पत्रकार विनोद शुक्ला जी से। शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। बहुत धन्यवाद मनविंदर जी। सर, मणिपुर के मुद्दे को लेकर के, जैसा कि आप जान रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर संसद के भीतर बयान देने का काफ़ी दिनों से प्रेशर बनाया जा रहा था, और विपक्षी दलों का नया नया गठबंधन भी हुआ है, तो वो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट है। वो ये चाहते हैं कि इसमें जो गृह मंत्री हैं, जिनका ये सारा मसला है, जो जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये सब क्या है? मतलब उनका ना तो कोई नंबर का कोई इतना उनका नंबर इतना अच्छा नहीं है, संख्या बल कम है, इसके बावजूद विपक्ष ऐसा क्यों कर रहा है? देखिए, दो चीज़ है। एक तो ये कि नंबर गेम ना होने के बावजूद जो उनकी जिद थी कि प्रधानमंत्री को वक्तव्य देना चाहिए, जैसे ही नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ेगा अपना लोकसभा में कॉन्फिडेंस शो करने के लिए। तो एक वो एक मॉरल विक्ट्री के तौर पर देख सकते हैं कि हमने नो कॉन्फिडेंस ले आया और प्रधानमंत्री को बोलने की मांग कर रहे थे तो प्रधानमंत्री को बोलना पड़ा, एक। दूसरा महत्वपूर्ण बात ये है कि नंबर न होने के बावजूद जो चर्चा होगी वो उसको पूरा देश सुनेगा। अब उसमें ये क्या बात कह पाते हैं, कितनी बात कह पाते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन मोटे तौर पर यही दो बातें हैं जो इनको नो कॉन्फिडेंस ले आने के लिए जिस तरह का आइडिया आया होगा। अब इसके परिणाम क्या होंगे, कैसे ये निपट पाएंगे, कैसे ये सरकार को कॉर्नर कर पाएंगे, ये एक बड़ा मसला है। ऐसा ना हो कि ये दांव विपक्ष को उल्टा पड़ जाए इस मामले में, मणिपुर के मामले में, इसलिए कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात आएगी तो केवल मणिपुर पर चर्चा नहीं होगी, मणिपुर पर तो चर्चा होगी, राजस्थान पर भी चर्चा होगी, वेस्ट बंगाल पर भी चर्चा होगी, बिल्कुल, छत्तीसगढ़ पर भी चर्चा होगी, कर्नाटक पर भी चर्चा होगी, तो उसको किस चीज को कौन कितना डिफेंड कर पाएगा, ये तो जब चर्चा शुरू होगी तभी पता लगेगा। जी मनिंदर, आपने बहुत अच्छी बात कह दी है कि जब चर्चा होगी तो फिर वेस्ट बंगाल पे भी चर्चा होगी और सभी जो कॉर्नर हैं उन पे चर्चा होगी, तो उन पे उनसे सवाल भी मांगे जाएंगे। अच्छा, 9 वर्षों में दूसरा मौका है जब सरकार ऐसा सामना कर रही है। इससे पहले आप जानते ही हैं कि 2018 में भी इस तरीके का एक मौका पड़ा था, उस समय कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, और इस बार सरकार को भी विपक्ष के सवाल कर सकती है कि जो भेदभाव हो रहा है मणिपुर में, वहाँ पे दो समुदायों को लेकर के जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, यानी कि वहाँ पर उनके साथ जो भेदभाव
शुरू हुआ है वो तो कांग्रेस के टाइम से ही हुआ है ना, चाहे आप कुकी ले लीजिए, चाहे मेहता ले लीजिए, इनके अधिकारों पे भी चर्चा होगी ना, तब आप क्या सोचते हैं क्या सीन बनेगा, सरकार कैसे डिफेंड करेगी, विपक्ष कैसे डिफेंड करेगा अपने आप को? देखिए मनिंदर जी, तीन चार चीज़ें मैं मणिपुर को लेकर के आपके दर्शकों को बताने और समझाने की कोशिश करता हूँ जी। किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम का राजनीतिकरण हो गया है जी, जी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नेहरू जी के समय एक इस तरह की बात आई थी, समझौता हुआ था कि नॉर्थ ईस्ट के इलाके में क्रिश्चियन मिशनरीज के लोगों को अलाउ किया गया था, लेकिन हिंदू साधुओं को अलाउ नहीं किया गया था कि आप नॉर्थ ईस्ट इलाके में नहीं जाते हैं। तो एक तो सीधे सीधे ये भारतीय संस्कृति और भारतीय हिंदू परंपरा के साथ विश्वासघात था, एक बात। दूसरी बात, अगर आप आंकड़ों की ही बात कर रहे हैं तो आप आंकड़े उठा करके देखिए, सबको स्पष्ट रूप से आंकड़े मिल जाएंगे। आप अगर उसको आप 1800 या 1819वीं शताब्दी तक नहीं ले जाना चाह रहे हैं, आप उसको 1951 से ही अगर आप जोड़ना चाह रहे हैं तो आप 1951 से और 2014 के बीच वहां पर जो वायलेंस हुआ है, मौतें हुई हैं, उसका डाटा उठा कर देख लीजिए, और 2014 से लेकर के 2023 के उस समय तक देख लीजिए जब ये दंगे नहीं शुरू हुए थे। ये दंगे एक विशेष परिस्थिति में हुए, हाई कोर्ट के एक जजमेंट के बाद, जब हाई कोर्ट के जजमेंट में ये कहा गया कि मैतेईस को ट्राइबल राइट्स मिलना चाहिए। अब क्या किसी को ट्राइबल राइट्स अगर कोर्ट देता है तो दूसरा व्यक्ति, दूसरा ग्रुप जो है वो इतना वायलेंट हो जाएगा कि लोगों की हत्याएं करना शुरू कर देगा? ये हुई दूसरी बात। तीसरी बात ये है कि मणिपुर की ही इरोम शर्मिला ने अपना अनशन 2016 में एनडीए के रूल के दौरान ही खत्म किया था। चौथी बात मनिंदर जी, जो आपसा का इलाका है, आर फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, वो आपसा का जो इलाका है वो लगातार घटा है जी, और वो एनडीए के दौर में ही घटा है। तो अगर हम ये चार मोटी मोटी चीजें भी देख लें तो उससे लगता है कि सरकार कहीं से भी नॉर्थ ईस्ट की समस्याओं को लेकर के असंवेदनशील नहीं है। और मैं डेवलपमेंट की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, रोड्स जो उन्होंने बनाए, एयरपोर्ट बनाए, राजधानियाँ चलाई, कनेक्टिविटी, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, इन सब के लिए जो सरकार ने काम किया उसकी तो चर्चा ही नहीं की जा रही है, ना अभी उसके कोई मायने हैं। तो आप इन सब चीज़ों से इतर इस तरह की बात कर रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है जो सबको मालूम है लेकिन फिर भी मैं कह देना ठीक समझता हूँ भाई, अगर ये 4-5 मई की घटना थी तो 4-5 मई की घटना को ठीक पार्लियामेंट सेशन से पहले सोशल मीडिया पर शेयर करना, इसका मतलब कोई खुराफात, कोई मान, कोई ऐसी चल रही है जो इंटरनेश जो भारत को, भारत की बदनामी के लिए लगातार सक्रिय है, और उसमें देश के भी कई पॉलिटिकल पार्टीज की सहभागिता उसको और एस्केलेट करती है। तो ये एक बड़ा मसला है, हमको लगता है कि ये सारी चीज़ें चर्चा में भी आ सकती हैं। जी जी बिल्कुल, चर्चा में आएंगी ही, जैसा कि कॉन्फिडेंटली गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है, और डे वन से ही अमित शाह ये कह रहे हैं कि चर्चा कीजिए, हम तैयार हैं। लेकिन वो अपनी एक ही मांग पर शुक्ला जी अड़े हुए हैं कि हमें मोदी जी आए। अब उन्हें ये नहीं पता कि अमित शाह अगर चर्चा करते तो चीज़ें छोटे में ही निपट जाती। अब जब इस लेवल पे चर्चा होगी तो उसमें वो कितने धुल जाएंगे, ये आप ज़रा बताएंगे? देखिए मनिंदर जी, बात अगर मणिपुर तक सीमित रहती तो वो मणिपुर तक की बात होती और बहुत सारी चीज़ों की चर्चा हो के बात हो सकती थी, जो गतिरोध है वो टूट सकता था जी। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो INDIA है, ये इसको किसी बात का भ्रम हो गया है, शायद इनको लगने लगा है कि हमने ये INDIA बना लिया है तो अब हमने मोदी
से बिना लड़े ही उनको हरा दिया है। अभी बहुत समय बाकी है और अभी बहुत सारी चीजें सामने आनी है जी। और सिर्फ अगर संगठन बना देने से कोई चुनाव जीत गया होता तो बहुत सारे संगठन आए बने बिगड़े, उससे कुछ नहीं होना है। आपको जनता के सामने अपनी बात रखनी पड़ेगी, जनता के सामने अपने कार्यक्रम बताने पड़ेंगे। INDA के नाम पर कोई वोट नहीं देगा, कार्यक्रम के नाम पर वोट मिलेंगे। और कार्यक्रम के नाम पर मुझे अभी तक कोई ऐसी बात नजर नहीं आ रही है कि इनका कोई कार्यक्रम हो। इनका कार्यक्रम वही पुराना बासी सेक्युलरिज्म है, वही पुराना की भाजपा कम्युनल पार्टी है, वही पुराना गंगा जमुनी तहजीब है, वही पुराना अपीजमेंट करना है। वो उसी वही ढोल बजाते रहेंगे और उसको जनता सुनने के लिए नहीं तैयार है। आपको ये बताना पड़ेगा कि आप जिन जिन राज्यों में आपकी सरकारें हैं वहाँ आप क्या कर रहे हो, आप के पास बाकी केंद्र में अगर अडानी का कोई काम होता है तो आप उस पर ऑब्जेक्शन करते हो। कांग्रेस के बहुत सारे प्रदेशों में अडानी का इन्वेस्टमेंट है। ये एक बहुत सारी चीजें हैं जो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। उन कॉन्ट्राडिक्टरी चीजों को सुधार करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा अगर वो चाहते हैं कि जनता उनकी बात सुने। अन्यथा वो चौकीदार चोर वाला फिर वो होगा और राफेल जैसा ही मामला पिट जाएगा इनका सारा। जी कई सारे स्टेट में बहुत ताज़ा घटनाएं हुई हैं। अभी 3-4 दिन से राजस्थान में हो हल्ला हो रहा है लाल डायरी को लेकर के। उसमें गुड़ा जी कह रहे हैं कि हम CM की कुर्सी खींच लेंगे, हमारे पास इतने सारे सबूत हैं। इसी तरीके से महाराष्ट्र देखिए, और इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, और आपने बंगाल का तो जिक्र किया ही है। तो तमाम सारी चीज़ें फिर इस सब में चर्चा में लाई जाएंगी सर? देखिए, सारी चीज़ें चर्चा होंगी। देखिए, जब प्राइम मिनिस्टर जवाब देंगे इस मसले पर, जब सारी चर्चा के बाद प्राइम मिनिस्टर को आखिरी में जवाब देना होता है। जब प्राइम मिनिस्टर जवाब देंगे तो वो सारे लोग जो भी विषय उठाएंगे, जो भी विपक्ष के नेता जो जो विषय उठाएंगे, सबका जवाब देना पड़ेगा। अब प्राइम मिनिस्टर किस तरह से जवाब देंगे ये सब जानता है। जितना तीखा वो बोलते हैं जब वो विपक्ष पर आक्रमण होते हैं, तो वो शायद, मुझे लगता है कि मेरा अपना मानना है कि विपक्ष को कहीं फायदे की जगह नुकसान न कर जाए। मोदी अगर बोलेंगे तो स्मृति ईरानी भी चुप नहीं रहेंगी, अमित शाह भी चुप नहीं रहेंगे। नहीं, सारे बड़े नेता, किसको किसको बोलने दिया जाता है, किसको किसको बोलने पार्टी अलाउ करती है, वो तो आने वाला समय पर निर्धारित होगा। लेकिन कम से कम प्रधानमंत्री तो सब विपक्ष के सारे नेताओं को जवाब देंगे ही, तो प्रधानमंत्री के कारण उनकी जिम्मेदारी और दायित्व है, तो ये होगा। तो हर बात का जवाब आएगा। अब देखते हैं कि वो किस तरह से आता है और क्या आता है, और विपक्ष को उसमें कितना लाभ। जी, एक और चीज जानना चाह रहे हैं आपसे। ये शोर मचा रहे हैं कि मणिपुर का को लेकर के हम ये करेंगे, शायद ये इनके दिमाग में कई सारे प्लान चल रहे हैं। लेकिन सर, एक चीज़ और देखने वाली है कि अभी तक ये पता नहीं है कि विपक्ष की तरफ से विपक्ष का मोर्चा कौन संभालेगा। क्योंकि अगर ये सोच रहे हैं कि हमें PM मोदी से लड़ना है, तो इनके पास भी कोई वैसा वक्ता होना चाहिए, वैसा कोई चेहरा होना चाहिए। आपको क्या लगता है, इनकी तरफ से ये किसको प्रोजेक्ट करेंगे? इनके पास तो वो चेहरा भी नहीं है। नहीं, अभी ये किसी को प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए कि कोई फॉर्मल अलायंस वो नहीं है। मुझे लगता है कि लोकसभा में जिस पार्टी को जितने सांसद हैं और उसके हिसाब से जितना समय उनका बनता है, वो उसी हिसाब से बात करेंगे। कांग्रेस को उनके जो 50-55 के आसपास सांसद हैं लोकसभा में, उस हिसाब से उनको समय मिलेगा।
और तृणमूल कांग्रेस के, आरजेडी के, जेडीयू के जितने सांसद हैं, आरजेडी के तो एक लोकसभा में है भी कि नहीं है, मुझे ठीक से ध्यान नहीं आ रहा है। नहीं सर, समय तो बहुत मिलेगा, लेकिन वो समय इनकी धुलाई में चला जाएगा या ये कुछ गेन कर पाएंगे? देखने वाली दिलचस्प बात ये होगी ना। नहीं, समय समय तो सबको पार्टी के स्ट्रेंथ के हिसाब से ही मिलेगा, तो वो समय निश्चित तौर पर बहुत होगा। तो वही है कि अब उसमें कितना समय मिलता है, कौन क्या बोलता है और किस पार्टी से, कौन सी पार्टी किसको बोलने के लिए अधिकृत करती है, तो ये है। लेकिन एक चीज तो निश्चित है कि सबके सबकी बातों का जवाब प्रधानमंत्री देंगे। जी जी, नहीं प्रधानमंत्री जवाब देंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, लेकिन इनकी तरफ से उन एक्चुअली देखिए ना, इन्हें चाहिए थे कि प्रधानमंत्री बोले, ये अमित शाह से सेटिस्फाइड नहीं हो रहे थे। अमित शाह डे वन से कह रहे हैं कि हम इस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये अपने जिद पे एडमेंट थे कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, वो बात करें। तो अब उनके सामने ये किसे खड़ा करते हैं, ये भी एक बड़ी बात है ना, क्योंकि अब चुनाव नज़दीक आ रहा है, तो आप उसे जोड़ के देखिए ना कि मतलब चेहरे की अगर लड़ाई है तो ये किसे दिखाएंगे? नहीं देखिए भाई, कांग्रेस में तीन चार बड़े नेता हैं, चिदंबरम राज्यसभा में हैं, तो लोकसभा में शशि थरूर को बोल, मुझे नहीं लगता कि उनको वो किया जाएगा। जयराम रमेश भी राज्यसभा में है, तो राज्यसभा में तो उनके लिए बोलने के लिए ठीक ठाक होगा, लोकसभा में इनके पास कोई नहीं, सोनिया जी बोल नहीं पाएंगी, उनके पास इस तरह की स्थिति उनकी नहीं है कि वो बहुत बोलने में वाकफ है, तो इनके पास, कांग्रेस के पास भी कोई बहुत अच्छा वक्ता नहीं है जो वो कर पाए। राहुल बोलते, लेकिन राहुल नहीं, राहुल को तो चुपचाप ही रखेंगे, क्योंकि वो तो राहुल तो संसद में है नहीं, तो बोल पाए है ही नहीं, वो तो है ही नहीं, उनका तो जिक्र ही हम ऐसे कर रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब देखते हैं कि किसको, वो बाहर से शोर मचा सकते हैं लेकिन वहाँ तो वो नहीं रहेंगे, देखते हैं किसको किसको कौन सी पार्टी। अच्छा, वोटिंग में भी ये हार ही जाएंगे, क्योंकि ये पहले से कह रहे हैं कि हमारी नंबर की जिद नहीं है। नहीं, वो तो तय है जी, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं, तो तय है कि ये प्रस्ताव गिरेगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन गिरेगा, ये तो वो तो तय है, वो सिर्फ चर्चा की है जी, चर्चा में क्या आएगा वो जी। तो ये मान के चलें कि फिर अगले 6 महीने तब तक चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएगी, तब तक फिर शांत होके बैठे रहेंगे, फिर तो कोई मुद्दा नहीं होगा। नहीं नहीं, अगर होगा भी तो फिर 6 महीने से पहले सर, व्हाट आई थिंक नहीं नहीं, दोबारा नो कॉन्फिडेंस नहीं ले आ सकते हैं वो। हाँ, वो अलग बात है, लेकिन शांत नहीं बैठेंगे, बाहर बात करेंगे, पार्लियामेंट में पार्लियामेंट का बहिष्कार तो कर ही सकते हैं, वो सब तो कर ही सकते हैं, बाकी सारी गतिविधियों पर थोड़ी रोक लगेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुक्ला जी, आपने शॉर्ट नोटिस पे आना स्वीकार किया, आपकी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए आपका डबल शुक्रिया। और दर्शकों से भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर मुझे बताएं मेरे कमेंट सेक्शन में अपनी टिप्पणी दे करके, और जो दर्शक अभी तक मुझसे नहीं जुड़े हैं, मेरा चैनल जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है, वो बेल आइकन दबाएं और मेरे साथ जुड़े, ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट कंटेंट हो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।